प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को जनपद वासियों को चिड़ियाघर का बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब भी गोरखपुर आते हैं तो जनता को कोई ना कोई सौगात देकर जाते हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को चिड़ियाघर का तोहफा देंगे। उन्होंने कहा कि शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान चिड़ियाघर पूर्वांचल का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा और यहाँ के लोग चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों पशु पक्षियों सहित मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जनता चिड़ियाघर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे और लाभ उठा ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया जितना तेजी से बढ़ रहा है, गोरखपुर में विशेष करके जब जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर आते हैं, गोरखपुर वासियों को एक नया तोहफा देते हैं और चिड़ियाघर गोरखपुर के लिए एक ऐतिहासिक है। और दूसरी दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ देश की आज़ादी के लिए दो ऐसे नौजवान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने देश के लिए बलिदान दिया था और दोनों की मित्रता ऐसी कायम थी कि दोनों ने देश के लिए अपनी शहादत दी थी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उसको वर्तमान में परिलक्षित किया है। गोरखपुर के जिला जेल में जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, वहीं चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्ला खां के नाम से करके देश के नौजवानों को एक जो शहादत देश के लिए किया है उसके लिए उन्होंने एक बड़ी परंपरा को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया है। पूरा गोरखपुर उत्साह उत्सव के रूप में कल मनाने जा रहा है।